सबसे पहले एक प्लेन लेना है बेटा, कौन से व्यू में, टॉप व्यू में, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। टॉप व्यू में हमने प्लेन ले लिया और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसके सेगमेंट्स कर दिया ओनली वन वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ नीड नहीं है, यहाँ पे बस मुझे इमेज इंसर्ट करनी है। एम प्रेस करा फॉर मटेरियल्स, ठीक है, ये। और यहाँ पे हमें इमेजेस के लिए बिट मैप पे ऐसे क्लिक करा हमने, इधर जहाँ भी आपकी इमेजेस होंगी पिक्स हैं वहाँ पे जाएं। ओके, ये टॉप व्यू से मेरा इसका व्यू हो गया। अप्लाई कर दें आप यहाँ पर, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन एंड देन शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। अब यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे हम आएंगे फंक्शन। अभी कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो गया ना तो इसको एडजस्ट कर दो इसके थ्रू, ठीक है। वैसे हम फोटोशॉप में प्रॉपर इसकी मेजरमेंट लेके भी काम कर सकते हैं। ओके, ये माउस का हो गया पार्ट। अब मुझे इसका लेफ्ट पार्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगी बच्चे, इसी को ही हमने सिलेक्ट करा, देन शिफ्ट के साथ इसी की हम कॉपी कॉपी करने की जगह यहाँ पर हम पहले डिग्री चेंज कर देंगे, 90 डिग्री कर दी हमने। इसको सिलेक्ट करा, आई ड्रॉप, वो सॉरी ई रोटेट टूल, और ये हमने इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया, एक कॉपी ले ली इसकी, ठीक है। ओरिजिन वो पार्ट वहीं रह गया, ये वाला हमारा इस तरीके से यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने एम प्रेस करा, देन हमें लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेना है, जो साइड व्यू है उसका वो वाला पार्ट लेना है हमें। अगेन यहाँ पर आए हम, बिट मैप दिस वन, जी प्रेस करके हमने ग्रिड यहाँ पे हटा दिया, ये हमारा आ गया माउस का पार्ट, ठीक है। अब बच्चे हमें इसको बनाना है, ये अभी पहले आप चेक कर लें कि एकदम सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। सही आने और नहीं आने का मतलब है कि इसकी जो विड्थ हाइट है ये इसके इक्वल है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पहले ऐसे जीरो इन्हें सेंटर लाइन करा, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट पे ले आए, ठीक है। जी प्रेस करेंगे तो ग्रिड आ जाएगा, ठीक है। हमारा देखो एकदम ओके आ रहा है। ओके बच्चे, जो इस व्यू वाला है ये यहाँ पर ऐसे है ना, तो वाई एक्सिस में इसको दूर ले गए, ये वाला पार्ट है ये इस एक्सिस में, जिस में गिज्मो आपका नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री के एंगल पर आता है, उसी एंगल में उसको ऊपर या साइड में ले जाते हैं, ठीक है। अब हम टॉप व्यू में गए, ऐसे ग्रिड प्रेस करा जी के लिए, यहाँ पर हम आए, यहाँ पे सिंपल हमने एक बॉक्स लिया ऐसे सिंपल सा, ठीक है। टू व्यूज में वर्क करना है, यहां से हमें क्या है, यहां से हमें हाइट का भी पता चलता रहेगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप ऐसे प्रेस करेंगे ऑल्ट एक्स ट्रांसपेरेंट दिखने के लिए, ठीक है बेटा। और ज्यादा विजिबिलिटी कम करनी है देन राइट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाएं, विजिबिलिटी वन आ रही है ना 0.2, इफ यू वांट कि ज्यादा ही विजिबल देखना है तो। ओके, अब यहाँ पे हमने सिगमेंट अप्लाई कर दिया, देखो थ्री थ्री में मेरा कर्व अच्छे से आएगा, तो मैंने थ्री सिगमेंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, यहाँ पे ये हमने वर्टेक्स ऐसे सेलेक्ट करें, ऑल्ट डब्ल्यू कमांड सिंगल व्यू पे वर्क करने के लिए, इस तरीके से हमें यहाँ पे कर्व लाना है। इसको हमने ऐसे यहाँ से भी हमें सही करना है, वर्टेक्स सेलेक्ट करने के लिए वन कमांड होती है, वन न्यूमेरिकल वन है ना,
ये एजिस हमने सेलेक्ट करा, देन रिंग कमांड. रिंग क्या करता है, उसको पैरेलल डायरेक्शन में जितना भी होगा सारे एजिस को सेलेक्ट कर ले. यहाँ पे हम दो कॉप कनेक्टर्स यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, मुझे लाइक तीन करने हैं. अब हमने साइड व्यू पे वर्क करना है, ये हमारा पार्ट आ गया बेटा. ये हमने पार्ट लिया है यहाँ पर इस तरीके से, स्केल टूल लेकर ये इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर दिया. ये यहाँ पे वैल्यूज, ये यहाँ से आप देखेंगे ही ना स्विच. वो बेटा आपने म्यूट करना माइक. ये हम यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए इस तरीके से ना ये वाला पार्ट, ये इनका अलाइनमेंट कैसे हम चेक कर सकते हैं, जैसे अलाइन है कि नहीं. फिर इसको हमने लाइक ये अलाइनमेंट होना चाहिए, शेप ही आनी चाहिए प्रॉपर बच्चे. ठीक है, यहाँ पे अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें नीड है. यहाँ पे हमें लाइन की नीड है, वहां पे भी रिंग देन कनेक्ट, ओनली वन कनेक्टर वी नीड. ओके, एनी इशू समझ आया बच्चे? ओके, बिल्कुल इसके जैसे हमने सिमेट्री का ये पार्ट बना दिया.
ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक लाइन है पतली सी, ठीक है, यहाँ पे हमने इस पार्ट को भी अरेंज कर दिया था। देखो स्केल टूल लिखे हुए थे, यहाँ पर है यार पानी लिंक कनेक्टर, दो कनेक्टर हमने यूज करे, इनको यहाँ पे करा और इनके बीच का डिस्टेंस हमने कम करा। रीअरेंज कर देते थोड़ा सा ये जो लाइन्स है। यहाँ तक ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ पे तो ये वाला पार्ट आ रहा है, ये लाइन, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पे ना ये लाइन, ये पहले हम ये लाइन से टॉप व्यू से देख रहे हैं आप, ये पार्ट हमको बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे ना कट टूल होता है अपने पास, कट, इसके थ्रू देखो कट ऑप्शन भी है यहाँ पे, ओके उतना ही कटना है नीचे तक, यहाँ तक पहले तो ये लाइन से ऊपर होनी चाहिए, बहुत नीचे आती है। ओके पर्सपेक्टिव व्यू में जाके ये जो पार्ट होता है ना बच्चे, ये थोड़ा सा यहाँ से अपना नीचे भी होता है यहाँ पे ना, ये मुझे मैन्युअली बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे टूल लिया, कट लिया हमने, यहाँ पे कट, अब ये पॉइंट यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया ताकि ट्राइंगल्स ना बने। आई टोल्ड यू ना कि ट्राइंगल्स नहीं होना चाहिए, ओके? तो वही चीज हमें देखना है, यहाँ अगेन ट्राइंगल, नाउ वी कवर्ड बाय दिस, ओके? एंड कर्व इट आल्सो,
ऑफ कर दिया बेटा, ठीक है ना। बैक फोर्स ऑफ करने से, ये इग्नोर बैक फेसिंग करने से क्या होगा कि पीछे का पार्ट आपका ऐसे प्रॉपर दिखाई देगा। अब लेफ्ट व्यू से हमें ये पार्ट कर्व करना है, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, ओके। अब इसमें हमें क्या करना है, ये पूरा पार्ट हमें ऐसे सिलेक्ट कर लेना बेटा। एक्सट्रूड, यहाँ पे एक जीरो वैल्यू होती है ना, यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ओके ठीक है। अंदर की तरफ हमने इसको एक्सट्रूड करके, ठीक है। ये हमने पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट करा, थोड़ा सा मैं इसे अंदर, ठीक है। इग्नोर बैक फेसिंग हमने ऑन ही करा हुआ इस पार्ट को ना, ये अजीब सा अंदर से हो रहा है ना, इसको ऐसे बाहर निकाल दो बेटा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद फिर अगेन एक्सट्रूड, थोड़ा सा ऐसे छोटा, ठीक है। अब फिर एक बार और हमने ना यहाँ से बाहर निकाल देने से, एक्सट्रूड करके डेप्थ आ जाएगी वाली लोकल नॉर्मल। एक्सट्रूड, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा सा अजीब हो गया, इसको सही करना है।
हेलो।